हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन और स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल सीजी टूरिज्म विद किशन में। दोस्तों आज एक नए ट्रिप पे आ गया हूं, जांजगीर चांपा की ट्रिप में। यहां एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जिसे दमोधारा वाटरफॉल कहते हैं। तो आज की इस ट्रिप में दोस्तों हम लोग यह जगह घूमेंगे और इससे जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं और झरना कैसा है इसका नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में और अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दमोधारा। उसके बाद आपको दिखाता हूं मैं दमोधारा कैसा है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यह जो दमोधारा है या दमोधरा है, यह गुंजी नामक एक छोटे से गांव में जांजगीर चांपा में जिले में स्थित है जिसे बरपाली भी कहते हैं। यह आपको कोरबा से शक्ति जाने वाले मार्ग में मिलेगा। यह जो जगह है दोस्तों, यह बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट और धार्मिक रूप से भी बहुत प्रसिद्ध है। इसकी लोकेशन अगर हम देखें दोस्तों तो यह कोरबा से 39 किलोमीटर, बिलासपुर से 93 और जांजगीर चांपा से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं दमोधारा के पास। झरना बहुत ही खूबसूरत है। अभी बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ इस झरने में, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से अभी बरसात हो रही है और इसी बरसात का तो मैं इंतज़ार में था। अभी आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा दिखता है यहाँ से झरना। थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है लगता है। यह जो दमोधारा है या दमोधरा है दोस्तों, यह मानसून के समय में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ जो एरिया है पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और आपको पहाड़ी के इस साइड या दमोधारा देखने को मिलेगा और इसकी दूसरी साइड आपको रैनखोल एक और खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। माना जाता है दोस्तों यह जो झरना है यह गुप्त गोदावरी नामक एक छोटी सी नदी पर बना है जो सतपुड़ा रेंज के आखिरी में स्थित है। यह जो दमोधारा है दोस्तों, यह सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है। इस झरने से जुड़ी हुई दोस्तों काफ़ी सारी बातें प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि यह जो झरना बह रहा है इसकी दोनों साइड में एक साइड की दीवार पर आपको एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, एक लिखाई देखने को मिलेगी जो पाली भाषा में लिखी हुई है। इसे पहली शताब्दी का माना जाता है। एक कहानी के अनुसार दोस्तों यह भी कहा जाता है कि इस कहानी के अनुसार इस झरने के नीचे बनने वाले कुंड में आपको बड़े बड़े तांबे के घड़ों में सोने एवं चांदी डूबे हुए हैं जिसे उस समय के शक्ति पर राज करने वाले राजा लीलाधर सिंह द्वारा निकालने की भी कोशिश की गई थी। माघ के महीने में दोस्तों यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसमें यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु और साधु आते हैं। कहा जाता है इस दमोधारा में सूर्य ग्रहण के समय साधु स्नान करते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ बहुत सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे जो भी इस रीति को फॉलो करते हैं। जहाँ दोस्तों आपको पहाड़ी के एक ओर कुछ छोटी छोटी गुफाएं देखने को मिलेगी, वहीं आपको पहाड़ी की दूसरी ओर एक छोटा सा मंदिर भी देखने को मिलेगा। बेशक दोस्तों यह जो दमोधारा है एक बहुत ही खूबसूरत झरना और पिकनिक स्पॉट है, इसके साथ ही यहाँ से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत बातें भी हैं जो यहाँ छिपी हुई हैं। मानसून के समय दोस्तों यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह के रूप में दिखता है। अगर आप मानसून में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो इस बार इस दमोधारा ज़रूर आइएगा। यहाँ दोस्तों कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं जो आपको झरने के सामने देखने को मिलेगी। इनमें से यह प्रमुख है राम जानकी मंदिर। यहाँ रामनवमी और नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है और जनवरी में लगने वाले मेले में भी यहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कोरोना काल में मंदिर जो है वो अभी भी बंद है और मंदिर का नज़ारा मैं आपको बाहर से ही दिखा सकता हूँ। दोस्तों अभी हम लोग का दमोधारा का ट्रिप ख़त्म हो गया है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा झरना था और काफ़ी खूबसूरत मंदिर थे। अगर आप यहाँ आए होंगे तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।